गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे हो गए। और फ्रेंड्स, मैं भी अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, शादी बहुत ज़्यादा हो गई, अब ज़्यादा पढ़ने लगी है, तो आप सभी लेट ही उठते हो। मैं भी लेट ही उठती हूँ। और आज क्या रोज ही लेट हो जाते हैं, 8 बजे से पहले खड़े नहीं हो रहे बिस्तर से, तो ये देखिएगा। और मैं अपना बिस्तर लगा रही हूँ, बस जग के ब्रश व्रुश कर रहा है और अपना बिस्तर लगा रही हूँ। तो ब्लैंकेट घड़ी कर ही दे रही हूँ अभी, उसके बाद मैं किचन में जाऊँगी। तो किचन में मैं चाय बनाने रेडी करने रखी आई हूँ। बस मेरी चाय अच्छे से कड़क हो रही है, तो मैं चाय अदरक वगैरह कूट के डाल आई हूँ। अभी दूध दूध नहीं डाल के आई हूँ। तो फ्रेंड्स, आप लोग ब्लॉग पर बने रही है, ब्लॉग को फुल वॉच कीजिएगा। तो पहले ये बेड शीट मैं पहले हटा देती हूँ उसको। और यहाँ बहुत ज़्यादा गंदा फैला दिया है। तो उसमें इसमें 5 बजे लगता है, मैं तो फिर 8 बजे तक क्या है बेटा, पता नहीं उसकी नींद जल्दी खुल जाती है। आजकल बहुत जल्दी सो जाता है, उसको जल्दी उठ जाता है। तो ये देखिएगा। और मैं क्या कर रही थी, मैं चादर को धोने ले जा रही थी, फिर सर्दी की वजह से फिर मैंने धोया नहीं, तो इसको यहीं मैंने बिछा दिया। वैसे भी इतना गंदा नहीं है, आप लोगों को दिख रहा होगा। वैसे बहुत सुंदर लगता है ये चादर का प्रिंट, लेकिन बहुत हल्का फुल्का है, पुराना हो गया तो। और ये देखिएगा। और हमने इस साल न्यू कोई चादर नहीं ले पाई है, ना पिलो ली थी बस, तो और चादर वादर नहीं ले पाई है। तो बहुत ज़्यादा वैसे हो गया ना, और 1 साल से ज़्यादा हो जाए तो चादर पता है कैसे हो जाता। तो ये इनको तो 1-1.5 साल हो गया। तो ये मैं अभी ऐसे ही रखी दे रही है, क्योंकि ओढ़ने के लिए अभी सभी लोग बैठेंगे तो फिर से चाहिए कम्बल अम्बल, तो मैं इनको अंदर नहीं रख रही, वरना कबाड़ में रख देती हूँ। तो ये देखिएगा, पहले सोफे खाली कर देती हूँ। सोफे पे तो आजकल इतना सारा गंदा हो जाता है, कपड़े वपड़े भर देते हैं, और एक दूसरा सोफा तो भरा हुआ रखा है कपड़ों। ये मेरे घर की खासियत है कि एक सोफा तो कपड़ों का भरा रखा होता रहता है, जो छोटा वाला वो। तो मेरे ये सोफे के कवर भी मैंने सेट कर दी है। हमारे सारे कपड़े हैं, इनको तो मैं अकेले ले जाऊँगी, और कुछ अच्छी उनको मैं एक तरफ रख डाल रही हूँ। ये एक दिन पहले का ब्लॉग है, और ये मैं किचन में आ गई, तो ये मैं दूसरे दिन बॉयज डाल रही हूँ। क्या एक कल मुझे टाइम नहीं मिल पाया था, इसलिए मैं आज डाले दे रही हूँ। और मैं झाड़ लगाने से पहले थोड़ा एक्सरसाइज हाथ वगैरह चटका लेती हूँ, क्या है थोड़ा अपना बॉडी वॉडी काम करने लगती है अच्छे से, हाथ पैर हिला लो डोल लो। तो ये देखिएगा, हम थोड़ा सा एक्सरसाइज कर ले रहे हैं, और हम और झाड़ू भी लगा दे रहे हैं। तो अब शॉल ओढ़ूंगी, मैं स्वेटर नहीं पहनती, स्वेटर पहन के काम नहीं कर पाती, तो शॉल ओढ़ूंगी। इसके जाके बाद अपना झाड़ू वाड़ू कर देती हूँ। और मुझे किचन में चाय भी मेरी रेडी होगी होगी, तो जल्दी जल्दी फटाफट मुझे सारे काम करना है। तो ये सोफा है, इस सोफे को तो मैं देखती नहीं हूँ। तो ये हुआ हमारा झाड़ू कम्प्लीट, और ब्लॉग को ही ऐड कर देता है। ब्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कर देना। तो ये देखिएगा, डुबू के जूते धो के मैं साफ कर करके बहुत ज़्यादा परेशान होगी, लेकिन ये लड़का है मानता ही नहीं है, सारे दिन धूल में खेलता है। धूल मिट्टी में बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है, पता नहीं क्यों। और भाई, मुझे तो धूल मिट्टी से बहुत ज़्यादा एलर्जी।